वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सुनसान ब्रिज था। रात के 1 बजे का समय रहा होगा। तेज रफ्तार से आती एक स्कॉर्पियो में एकाएक लड़खड़ाई और खिंच की आवाज उभरी। ब्रेक्स लगे और रुक गई। गाड़ी एक खूबसूरत युवती चला रही थी। उसके गले में एक कैमरा लटक रहा था। उसने दरवाजा खोला और वो सामने ब्रिज को निहारती बाहर आई। वाव! अंधेरे में डूबे हुए इस ब्रिज में ये तो रेड बल्ब जैसी आंखों की तरह की रोशनी किसकी हो सकती है? अब किसी की भी हो, मुझे इससे क्या मतलब? इसे तो मैं अपने कैमरे में शूट करूंगी ही। तभी सैकड़ों भेड़ियों की आवाजें उस अंधेरी रात के सुनेपन को चीरने लगी और कैमरे से तरंगे उठी और कैमरे में कैद होने लगी टीच टीच आवाज के साथ वो तस्वीर। मगर ये क्या, कैमरे में वो रेड बल्ब जैसी आंखों की तरह दिखने वाली वस्तु का नामो निशान तक नहीं, बल्कि एक खौफनाक साया बार बार कैमरे में कैद हो रहा था। सहमी डरी युवती अपनी वैन की तरफ भागी, मगर स्कॉर्पियो वैन के पास पहुंचते पहुंचते उसके कदम रुक से गए। वैन के भीतर वही खौफनाक साया पीछे की सीट पर बैठा हुआ उसे घूमने जा रहा था। लंबी जटाएं, फफोले उगे काला चेहरा, दोनों किनारे पे खून रिश्ते बाहर को निकले विलक्षण लंबे दांत, लाल छोले उगलती आंखें। युवती कंपित अवस्था में लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि उसका मोबाइल फोन गड़गड़ा उठा। उसने फोन रिसीव किया और चीख पड़ी, मुझे बचा लो गाइस, गाइस मुझे बचा लो, मैं इस... और इतना कहकर वो अपना मोबाइल फोन लिए चक्कर खाती गिरकर बेहोश हो गई। उधर से मोबाइल फोन पे आवाज आई, नैना घबराओ नहीं, हम अभी आ रहे हैं। वो शायद उसके दोस्तों की आवाजें थी। बेहोश पड़ी नैना के पास धीरे धीरे वो खौफनाक साया बढ़ता हुआ पहुंचा। वो उसे अपनी रीछ जैसे हाथों से लेकर उठी रहा था कि बोलेरो वैन की लाइट का चमकता प्रकाश उस पे पड़ा और वो नैना को वहीं छोड़कर एक विचित्र आवाज करता हुआ भागा और ब्रिज के अंधेरे में गुम हो गया। सभी कांपते हुए उतरे। और सड़क के बीच अचेत पड़ी नैना के करीब पहुंचे। गाइज, कुछ देखा तुम सबने? अतुल ने कहा। हाँ देखा यार, ये भूतिया जगह है, रात्रि 8 बजे के बाद ही ये रास्ता वीरान हो जाता है। जल्द नैना को उठाओ और इस मनहूस जगह से वापस चलो। अक्षत ने कहा। डरपोक कहीं के। खुदा कसम सना, तुम्हारी तरफ कोई आंख भी दिखाया ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। बस करो सना, ये मजाक का वक्त नहीं है, और नैना को उठाओ, उसका साथी युवक बोला। अभी नैना को लेकर अक्षत, अतुल, सना अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि उन पर ढेरों कंकड़ियां एक साथ गिरने लगी, जैसे कंकड़ियों की बरसात हो रही हो। या खुदा, इस शैतानी कहर से हमें बचा, हमारी मदद कर, सना अपने गले के तावीज को सराखों से लगाते हुए बोली। तभी उन्हें लगा कि उनके आसपास सैकड़ों भेड़िए एक साथ गुर्राने लगे हो। तीनों जल्दी से नैना को लिए उसके स्कॉर्पियो वैन के पास आए और उसे अंदर लिटाने ही वाले थे कि एक भयानक काला पक्षी एक विचित्र आवाज करता हुआ स्कॉर्पियो वैन से बाहर आया और उन सबको हिलाता निकल गया। वैन के भीतर ये पक्षी क्या कर रहा था? डरी सहमी सना बोली। सना, ये समय इन सब बातों में उलझने का नहीं है, चलो नैना को अंदर लिटाओ, मैं स्कॉर्पियो वैन ले चलता हूँ, अक्षत बोला। सना नैना के सर को अपनी गोद में रखी पिछली सीट पर बैठ गई। और जैसे ही वैन चली, सना ने देखा शीशे चढ़ी खिड़की से बाहर एक डरावना साया दौड़ रहा है। वह कुछ कह नहीं पा रही थी कि अतुल उसका मजाक उड़ाएगा। अब नैना का शरीर तपने लगा था। अतुल, नैना का बदन चल रहा है, इसे तो तेज बुखार है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं सना, सब ठीक हो जाएगा। अब सभी हॉस्टल आ चुके थे। उन सब ने डॉक्टर को फोन किया।
डॉक्टर ने नैना के माथे को छुआ, आंखों के पलकों को उठाकर आंखें देखी, फिर बोला, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये कुछ दवाइयां हैं जिन्हें नैना को सुबह शाम देनी है, और एक इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, सुबह तक ये चलने फिरने लगेगी। इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर चला गया। रात के 3 बज रहे थे। नैना के पास अतुल सोया हुआ था और बगल वाले कमरे में अक्षत और सना गहरी नींद में थे। हॉस्टल गैलरी में एक दूधिया बल्ब जल रहा था। अतुल और नैना जिस कमरे में सोए थे उस कमरे के शीशे वाले दरवाजे पर रिश्ते रक्त सने 2 पंजों के निशान उभरे और नैना ने आंखें खोल दी। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ चली और दरवाजा खोल दिया। सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, मगर विलक्षण हाव भाव थे। उसने अपनी बाहें फैलाई, नैना आगे बढ़ी और उसकी बाहों में समा गई। खूबसूरत विलक्षण दिखने वाले नौजवान का चेहरा परिवर्तित होने लगा। चेहरे पर फफोले उभर आए, मुंह से खून रिसते दो लंबे दांत बाहर को आ गए कि अचानक वहां अतुल आ गया। शैतान गुस्से के मारे अतुल पर टूटना चाहता था कि अक्षत और सना भी आ गए और वो चीखता हुआ हॉस्टल के बाहर आ गया। सुबह हो चली थी। ये सब कैसे हो गया था अतुल? कुछ नहीं, बस मैंने ही मजाक किया था। अतुल उसे उन बीती बातों को याद नहीं दिलाना चाह रहा था जो उसके साथ घटित हुई थी। तुम अक्सर ऐसा मजाक करते हो। चलो अंदर, अतुल उसके माथे को सहलाते हुए बोला। नैना अपने कमरे में चली गई। अतुल, वो भूतिया ब्रिज वाला शैतान नैना पर अपना प्रभाव जमा चुका है। हम नैना की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे किसी पीर हकीम के पास ले चलना चाहिए। मेरे जानकारी में एक अच्छे जानकार है, मगर मगर क्या अक्षत? मगर वो जुम्मे रात को यानी कल मिलेंगे, अक्षत बोला। बातों ही बातों में सुबह से शाम हो गई। रात का अंधेरा सघन होता जा रहा था। सब एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो गए। अक्षत सना गहरी नींद में थे। तभी अक्षत के शीशे वाले दरवाजे पर वही खूने रिश्ते पंजे का निशान उभरा। सना जाग गई, उसे लगा नैना दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वो उठी, आगे बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। सामने एक नौजवान खड़ा था। सना उस नौजवान विलक्षण खूबसूरती की आंखों के आकर्षण में बंध गई। वह आगे बढ़ा और सना उसके पीछे चल पड़ी। वह उसे लेकर हॉस्टल की छत वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। इधर अक्षत करवट बदलता है। और सना को ना पाकर अतुल नैना के कमरे के पास चला गया और उन्हें जगा दिया। सभी ने गैलरी में देखा और कोई आहट ना पाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगे। और देखकर अवाक रह गए। सना ऊपरी मंजिल से टपकने ही वाली थी कि अक्षत ने दौड़ते हुए सना को पकड़ते हुए कहा, सना सना, ये आप क्या कर रही थी? कसम खुदा कि आपके बगैर अक्षत जी नहीं सकता, नहीं जी सकता, ये कभी सोचा आपने? सना हॉस्टल की छत से नीचे देखे जा रही थी और बोली, छोड़ो छोड़ो मुझे, वो नौजवान मुझे बुला रहा है। तभी पहले वाला वही काला पक्षी एक विचित्र आवाज करता हुआ
दो तीन बार इन सब पे झपटा और गायब हो गया। आज जुम्मेरात थी। अतुल लैला अक्षत सना फकीर बाबा के पास पहुंचे। फकीर बाबा चारों को घूरते हुए बोले, तो गड़े मुर्दे उखड़वाने फकीर के पास तुम लोग आ ही गए। वह ब्रिज जब अंग्रेजों के समय में बन रहा था तो वहां एक घटना हुई थी। किसी पाखंडी बाबा ने एक 10 वर्षीय बच्चे की बलि उस ब्रिज देवता को दी थी, जिसकी रूह अब तक वहां भटक रही है। अब वो बड़ा हो चुका है, बहुत ज्यादती हुई है उस मजलूम मासूम के साथ, या खुदा रहम कर। फकीर ने कहा, बाबा वही रो। अक्षत बोला, हम सब जानते हैं फकीर के दामन में कुछ छिपा नहीं रहता। इन दोनों बच्चियों को मैं बचाऊंगा। आज की रात उसकी मंजिल पर ही मैं उसे हराऊंगा। चलो हमारे साथ सभी, शाम होने को है। फकीर दहाड़ उठा और सभी हॉस्टल पहुंचे। सना और नैना को बाबा फकीर ने एक साथ एक कमरे में रहने को कहा और अपने साथ अतुल और अक्षत को रखा। और फकीर बाबा बोले, अतुल तुम अपनी गाड़ी ऐसी जगह पर लो बेटा कि जब तुम हम सबको उस ब्रिज पर ले चलो तो उस रूह को पता ना चले कि हम भी उस ब्रिज पर पहुंच रहे हैं। फकीर ने कहा। फकीर बाबा अतुल अक्षत बाहर छिपे थे, शैतान भीतर पहुंचा और बाबा के इशारे पर सभी स्कॉर्पियो वैन से उस ब्रिज पर पहुंचे। इधर शैतान अपनी बाहों में सना और नैना को लिए हॉस्टल से बाहर ले आया और ब्रिज की तरफ चल दिया। शैतान को नैना सना के साथ देखकर अंधेरे में डूबे रास्ते पर कुछ ज्यादा ही कुत्ते भौंकने लगे थे। शायद वे सब काल चक्र को पहचान रहे थे। बाबा फकीर ब्रिज को तीन तरफ से बांध चुके थे, बस एक तरफ छोड़े थे शैतान को भीतर आने और लड़कियों को बाहर भागने के लिए। भेड़ियों की गुर्राहट काली रात को चीरने लगी थी। वो काला बृहदकाय पक्षी विचित्र आवाज करता ब्रिज में दाखिल हुआ और खौफनाक शैतान भी लड़कियों को लेकर ब्रिज के भीतर ज्यों ही दाखिल हुआ, उसी समय बाबा की दुआ रंग दिखाई। लड़कियां होश में आई और बाबा बोले, बच्चियों जल्द भागो यहां से बाहर। और नैना सना शैतान को झटका देती बाहर आई। फुर्ती दिखाते हुए बाबा फकीर ने उस जगह को भी कैद कर दिया। एक विचित्र आर्तनाद उस ब्रिज के भीतर सुनाई देने लगा और बृहदकाय पक्षी और शैतान दोनों जल उठे थे। या खुदा, इस मासूम के पाक जिस्म को उस बदरूह के कैद से आजाद कर दे, बख्श दे इसे, बख्श दे। और थोड़ी देर में सब कुछ शान शान सा हो चला। एक काले धुएं से कोई वस्तु दिखी और फिजा में विलीन हो गई।